समीसा विजय सोई में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में बनने वाला सबका मनपसंद गाजर का हलवा। हम ये गाजर का हलवा बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और हम जो रेसिपी आपको बताने वाले हैं हम इसमें एक भी चम्मच घी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। घी न डालने की वजह से ये काफी सेहतमंद भी हो जाता है, तो जिन लोगों को घी मना है वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो लाल वाली गाजर ली है। सबसे पहले हम गाजरों को चाकू से हल्का सा खुरच के साफ कर लेंगे ताकि इसमें जो भी रेसे या फिर मिट्टी हो वो साफ हो जाए। तो अब हम इस हलवे को बनाने के लिए सामग्रियां देख लेते हैं। गाजरों को खुरच के साफ करने के बाद हमने उसे अच्छे से धो के कद्दूकस कर लिया है। हमने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम खोया लिया, ये घर का बना हुआ खोया है। 1 लीटर दूध से आपको लगभग 200 ग्राम खोया मिल जाएगा। अगर आपको खोया बनाना सीखना है तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहें तो बाजार का खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लगभग 1 कटोरी या फिर 150 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए। इसी के साथ हमने थोड़े से बादाम और काजू लिए, इन्हें हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सबसे पहले हम गाजर को कुकर में डाल के इसे 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। उबालने के बाद आप देख सकते हैं गाजर ने अपना पानी छोड़ दिया, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। इसे उबालने का फायदा ये होता है कि इसके पकाने का टाइम लगभग आधा हो जाता है। उबालने के बाद गाजर को हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। अगर आप सोच रहे कढ़ाई ऐसी क्यों है, तो हमने इसी में खोया बनाया था। गाजर को कढ़ाई में निकाल लेने के बाद हम इसे लगातार तेज आंच पे चलाते हुए इसका पानी सुखाएंगे। इसे हम लगभग 5 से 8 मिनट तक लगातार तेज आंच पे चलाते रहेंगे। 5 से 8 मिनट बाद जब गाजर का पानी सूखकर लगभग आधा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 3/4 कटोरी चीनी डाली है। पूरी 1 कटोरी चीनी हमने नहीं डाली है, जो लगभग 150 ग्राम है। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। गाजर जितनी मीठी होगी उस हिसाब से ही चीनी हम डालेंगे। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं गाजर और ज्यादा पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसका पूरा पानी अच्छे से सुखा लेंगे। इसे हमें लगातार 10 से 15 मिनट तक या फिर जब तक इसका पूरा पानी अच्छे से सूख नहीं जाता इसे चलाते रहना है। ये काम थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज खानी हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसे चलाते हुए हमें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गाजर में बिल्कुल भी पानी नहीं, हमने पूरी तरह से इसका पानी सुखा लिया है। हलवा अच्छा बने इसके लिए हमें गाजर का पानी पूरी तरह से अच्छे से सुखाना जरूरी है। तो इसका पानी अच्छे से सूखने के बाद हम इसमें 100 ग्राम खोया डालेंगे। हमने 200 ग्राम खोया लिया था, उसमें से आधा ही डाला, आधा हमने ऊपर से सजाने के लिए रखा है। आप चाहें तो पूरा खोया एक साथ भी डाल सकते हैं। खोया डालने के बाद हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट मिला लेंगे। अंत में हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद आप देख सकते हैं हलवा अच्छे से भुन चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार है। हलवा तैयार होने के बाद हम इसे एक थाली में निकाल के थाली में अच्छे से फैला लेंगे। कलछी की सहायता से हमें इसकी ऊपर की परत को एकदम चिकना या फिर फ्लैट कर देना है। इसके बाद हमने जो खोया बचा के रखा था उसे ग्रेट करके हलवे के ऊपर फैला लेंगे। खोए को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालेंगे। इसके बाद हम काजू के आधे टुकड़े से इसे पूरा सजा लेंगे। आप चाहे तो बादाम के आधे टुकड़े से भी इसे सजा सकते हैं। हमारा एकदम अलग लाजवाब बिना घी का गाजर का हलवा बनकर तैयार है परोसने के लिए। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म परोसे या फिर रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 घंटे ठंडा होने के बाद इसे परोसे तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बर्फी की तरह चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ट्रायंगल शेप में काट के सर्व कर रहे हैं और यकीन मानिए ये हलवा बहुत ही शानदार लगता है खाने में। हमारे घर में तो हम जब से छोटे हैं तब से ये हलवा बनता रहा, सच में बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और रेसिपी से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में वीडियो देखने के लिए आपको हमारा धन्यवाद।